वो इधर वो राम लोग का दूध डेयरी और मैं फाइनली गाइस अब टाइम आ चुका है उस वीडियो का जिसका गाइस काफ़ी ज़्यादा वेट था। फाइनली गाइस इस वीडियो में मैं आपको कराने जा रहा हूँ पूरे गांव का टूर कि गांव का यार कैसा क्या होता है। वैसे गाइस मेरे गांव में तो काफ़ी अच्छी है यार, काफ़ी है, मतलब कि सामने गाइस एक इंडस्ट्री भी है, दूध का इंडस्ट्री है, फिर गाइस सेंट्रल स्कूल भी है जो कि गाइस काफ़ी ज़्यादा क्लोज में है। तो गाइस अभी तो सामने का नज़ारा देखो आप लोग, सामने भाई सभी बारिश हो रहा है एंड हो जाता था थोड़ा देर पहले तक अभी, तो ये वीडियो मैंने स्टार्ट कर दिया है तो स्टार्ट हुआ है। तो गाइस इसको मैं आपको मस्त मस्त तरीके दिखाता हूँ अभी। गाइस अब यहाँ पर तो रोड का कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, तो यहाँ पर देखो यार बैक हो जा रहा है अभी, तो यार कंस्ट्रक्शन काम अभी यहाँ पे ऑन है। तो यार देखो अभी रास्ता वस्ता मिलता है नहीं मिलता, उस साइड जस्ट आगे दूध का डेयरी है, यहाँ से हम लोग आए हैं अभी उस साइड से एंड यहाँ से काफ़ी मस्त यहाँ पे। वैसे कैसे यहाँ पर काफ़ी मस्त रोड था लेकिन यहाँ पर रोड ख़राब हो गया क्योंकि यार बारिश वारिश होता है ना, और हमेशा मतलब यहाँ गाड़ी जाता ही जाता है क्योंकि आगे बताया ना आगे दूध का इंडस्ट्री है, सेंट्रल स्कूल है, मतलब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर काम होते जाता है हमेशा ही। गाइस अब देखो यहाँ से नज़ारा यार वो देखो, जस्ट वहाँ पे हम लोग थे अभी और वहाँ से गाइस आया था, वहाँ पे मतलब कि काम चल रहा है रोड का और यहाँ पे गाइस काम कंप्लीट हो चुका है। एंड गाइस ये देखो दूर दूर तक गाइस जहाँ तक वहाँ तक हरियाली है, दूर दूर तक मतलब शहर में से देखने को मिलता ही नहीं है। वो देखो वो इधर वो राम लोग का दूध डेयरी और मेरे घर तो ठीक सामने ही है, जो कि इससे सारा जो ज़मीन है वो मतलब कि जो महंत होते हैं गाँव के वो मतलब दान किए, मतलब मेरे दादाजी हैं वो, तो वो मतलब दान किए पूरा इस ज़मीन को। तो सॉरी गाइस यहाँ पर कैमरा से खोड़ा होगा क्योंकि यार यहाँ वीडियो क्वालिटी बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है यहाँ पे एंड यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा से खोड़ा फोन क्योंकि यार रास्ता ही देखो देखो देख रहे हो यार कितना खराब रास्ता है यहाँ पे है। गाइस चल पा रहा है वही काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है यहाँ पे। लुक एट द स्काई गाइस, यहाँ से गाइस लुक देखो क्या मतलब ओपी लुक आ रहा होगा आपको, मतलब काफ़ी मस्त व्यू मिल रहा होगा यहाँ से एंड तो नॉइस भी है यहाँ पे क्योंकि यार शोर वोर चल रहा है ना, रोड बन रहा है इसलिए। एंड ऐसे देखो कितना मस्त पेड़ लग रहा है देख रहे हो। अबे यार कीचड़ है, पोपट ही पोपट है, जिंदगी में पोपट भरा हुआ है, जिंदगी में पोपट। और ऐसे देखो मैं चाहूँ तो अंदर भी जाके दिखा सकता हूँ क्योंकि हम लोग तो जा ही सकते हैं अंदर ऑलरेडी। तो ऐसे ये देखो कितने देखो कितने मस्त मस्त पेड़ लगा हुए यार, पूरा लग रहा है कि यार भाई ऐसा मतलब शहर में नहीं मिलता, मतलब यार देखो रोड तो होते हैं यहाँ पे भी, रोड तो भाई यहाँ पे भी काफ़ी मस्त था लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पे रास्ता खराब हो गया था, तो रास्ता का मतलब मेंटेनेंस चल रहा है अभी इसलिए थोड़ा ऐसा हो गया है रास्ता एंड काफ़ी मस्त लग रहा है यहाँ का। लुक एट द वहाँ पर देखो वहाँ पर गाइस कितना मस्त सा लुक है, फिर मैं अंदर चल दिखाता हूँ अंदर में क्या चल रहा है अभी। एंड ये रहा अंदर का नज़ारा एंड वाइज मस्त मस्त फूल लगे हुए यहाँ पे एंड आगे भी है। वैसे ये देखो पूरा यहाँ से पूरा मस्त दिख रहा है, यहाँ से देखो पूरा होल एंड सोल इतना बड़ा पूरा। एंड गाइस आगे में है मेन इंडस्ट्री जो मैं आपको दिखाता हूँ पूरा एंड अभी तो मस्त मस्त देखो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कैमरा भी सिक नहीं करा होगा, क्वालिटी भी मस्त आ रहा होगा। एंड गाइस ये रहा मेरा और मैं घर गाइस ठीक यहाँ बगल में बस यहाँ पे कितना कितना बताऊँ मैं 100 मीटर काफ़ी है, 100 मीटर के अंदर मेरा सामने वाला घर है। और वैसे गाइस हम लोग का ही मतलब कि ये मतलब दान किया हुआ है तो हम लोग आने में कोई दिक्कत नहीं है, मतलब बाकी लोग आएंगे तो वहाँ पूछना पड़ेगा सिक्योरिटीज, बाकी हम लोग कोई दिक्कत नहीं, हम लोग यहाँ पे आ ही सकते हैं। एंड गाइस ये देखो ये रहा मेन कन्वेयर बेल्ट, बाकी वहाँ पे कन्वेयरिंग बेल्ट है, फिर वहाँ पे हाइड्रोलिक पावर स्टेशन है, बाकी देख लो सारा चीज़ वहाँ पे मतलब ऑनलाइन ही है। तो मैं कैसे ऊपर नहीं जाऊँगा ऊपर क्योंकि मैं पैर गंदा इसलिए, बाकी देखो यार क्या लुक लग रहा है यहाँ से। एंड गाइस ये तो काफ़ी छोटा है, ये काफ़ी छोटा है और इससे भाई बड़ा सेंट्रल स्कूल जो कि जस्ट आगे इसके जस्ट थोड़ा सा आगे इसके, तो ऐसे मैं इसको भी दिखाता हूँ आपको। एंड तब तक ये यहाँ पे आप देखो यार मस्त मस्त पर फूल यहाँ लगे हुए, ग्राउंड काफ़ी बड़ा मतलब काफ़ी यार जमीन इसमें मतलब लगा हुआ है। एंड यहाँ पे आप गाइस ये देखो ये सबसे मस्त चीज़ है, ये देखो गाइस ये सब फूल मस्त मतलब काफ़ी ना मस्त लगते हैं यहाँ से ना, ये देखो कैसे लग रहा है वैसे पता है मुझे तो पता नहीं गाइस कैमरा से बात हो रहा है ना, वरना भाई बताना कैसा लग रहा है, मस्त लग रहा है शाम के समय में ऐसा ऐसा एंड यहाँ पे भी मस्त लग रहा है, यहाँ पे भी ऐसे ऐसे करने मस्त लग रहा है। तो चलते हैं सेंट्रल स्कूल पे, यहाँ पे तो पूरा घूम लिया अब। सो गाइस तो ये रहा, तो यार सामने दिख रहा है आपको सेंट्रल स्कूल एंड यहाँ पे आपको दिख रहा है सुधा का डेयरी एंड सामने गाइस बताया था ना जस्ट बगल में एंड गाइस इधर आया हुआ है बाढ़, तो यार बाढ़ का मजा ही कुछ अलग है, मतलब इसमें कोई चला जाएगा तो यार बचेगा नहीं इसके अंदर, इसके अंदर कोई चला गया तो फिर बचना मुश्किल है। एंड वो रहा सेंट्रल स्कूल, तो यार इसी लोग हम लोग को जमीन भी है आगे में चल गए, मतलब ठीक सेंट्रल स्कूल ठीक सामने जमीन भी है हम लोग का जो कि मतलब खुद का है, एक होता है कि जो मतलब कि पब्लिक वेलफेयर वाला होता है, एक होता है पर्सनल वाला, तो वो पर्सनल वाला है। एंड यहाँ पे आगे भी है एंड गाइस कलर देखो स्काई का कितना मस्त लग रहा है यहाँ से। तो फाइनली मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुका हूँ और देखने के लिए कि यार थोड़ा देर रेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे,
एंड काफ़ी मस्त मस्त हरा कलर दिख रहा है खेत का। तो मेरा भाई मन नहीं किया, थोड़ा देर वेट करते हैं यहीं पे एंड थोड़ा यार देखते हैं खेत को अच्छे से। यार मतलब ये सा काफ़ी रेयर होता है ना कि मतलब कभी आओ यार ऐसा हरा हरा खेत दिख जाए पूरा। यार मतलब कि आप जहाँ तक देखो, देख रहे हो पूरा जहाँ तक देखो यार वहाँ तक हरा हरा ही है पूरा पूरा, मतलब एकदम मस्त हरा हरा बगीचा। बगीचा वैसे नहीं बोलेंगे यार, पता है यार सब गलती बोल दिया, लेकिन यार यहाँ पे तो खेत ही तो बोलेंगे इसको। मतलब शायद अभी इसमें क्या बोलते गेहूँ लगा हुआ है, हाँ आई एम राइट, तो गेहूँ लगा हुआ है अभी तक, तो गेहूँ मतलब कटेंगे थोड़ी देर में। लेकिन यार अभी देखो यार काफ़ी मतलब जगह तो बाढ़ भी आए हुए हैं एंड आगे चलेंगे हम लोग। बट थोड़ा भाई इसमें आपसे बात कर लेता हूँ यहीं पे, काफ़ी एकदम मस्त है वैसे, काफ़ी एकदम मस्त यार। ऐसा चीज़ है यार शहर में देखने को मिलता कहाँ है, मतलब काफ़ी ज़्यादा रेयर चीज़ है ऐसा। मतलब कि काफ़ी लोग जो भी लोग वीडियो देख भी रहा होगा यार, मतलब पता है कि यार वो लोग को अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि मुझे खुद अच्छा लग रहा है। जो चीज़ मुझे अच्छा लगता है दिल से ना वो तो सबको अच्छा लगता है यार, सारे लोग तो मस्ती है। एंड स्काई कलर देख रहे हो यार, यहाँ से देखने में काफ़ी एकदम मस्त लग रहा है। यहाँ से लग नहीं रहा है कि कितना मतलब कि दूर आए हुए गाँव आया, थकान हो रहा है, लेकिन यार मज़ा आ रहा है चलने में जो हो। फाइनली गाइस आ चुके हैं स्कूल के पास एंड गाइस सामने का व्यू देखो यार, आगे एक मंदिर भी है जो आपको मतलब शिखर दिख रहा होगा मंदिर का। तो मंदिर भाई कभी और जाएंगे क्योंकि उधर थोड़ा हल्का दूर पड़ जाएगा, आते आते गाइस रात हो जाएगा एंड सुनसान रास्ता है ना। वैसे सुनसान नहीं यार, मतलब कि डर लगता है थोड़ा बहुत मुझे भाई, टू बी वेरी फ्लैंक। सामने देखो ये गाइस ये पूरा स्कूल देखो, वो रहा वहाँ पे दूध डेयरी एंड वहाँ से देखो वहाँ से भी चल ही रहा है ये, मतलब काफ़ी बड़ा है गाइस। मतलब कितना 10 एकड़ बना हुआ स्कूल है, जो कि मेरे दादाजी दान किए हुए इस जमीन को, और यहाँ साथ कहीं लिखा भी होगा वरना पता नहीं भाई, भाई खुद मैं 2 साल बाद आ रहा हूँ यहाँ पे। एंड यहाँ पे भी वो सेम हरा कलर प्रेजेंट है भाई, काफ़ी मस्त लगता है यार गाँव में आने के बाद, काफ़ी मस्त। पता है यार मतलब कि अगर किसी को अगर जॉब गाँव मिल जाए ना तो भाई वो कहीं गाँव छोड़ कर जाएगा नहीं, शहर नहीं जाएगा। शहर में पता है यार लाख सुविधा है, लाख मतलब अच्छा घर है कुछ भी हो, लेकिन यार वो बंद कमरों में रहना यार क्या, यहाँ पर गाइस पढ़ने में मन लगेगा, सब चीज़ लगेगा, पूरा एकदम खुला खुला इलाका ना इसलिए। एंड गाइस ये देखो पूरा देख लो यार गाइस पूरा मस्त है यहाँ से। एंड फाइनली ये रहा हम लोग का ज़मीन जो कि बता रहा था मैं, ये रहा वो, ये वो तीनों है एंड आगे भी है। एंड ये रहा फाइनली स्कूल, पता नहीं यार कोई अगर ताला वाला खुला वाला होगा तो चलेंगे, वरना मेरे पास चाबी नहीं है। वैसे चाबी होता है मैं आपको दिखाया था अंदर से, जो चाबी मेरे ही फैमिली पास रहता है इसका, लेकिन मैं लेके नहीं आया यार, इतना बड़ा स्कूल खोले का रिस्क कौन ले। बाकी हाँ 3-4 आदमी हो तो बात अलग है। सो कैसी रहा केंद्रीय विद्यालय जो कि जस्ट बगल में है, अराउंड 100 मीटर के आसपास में है केंद्रीय विद्यालय हमारा, केंद्रीय विद्यालय शिवहर बिशनपुर किशनदेव। हाँ हमारा फ़ोन नंबर है, किसी को अगर पता हो पढ़ना वढ़ना हो तो पढ़ ले, वो अलग बात है। अन्य सी रहा पूरा लुक ये देखो, मैं तो अभी बस यही से दिखा सकता हूँ, बाकी मुझे पास चाबी हुई नहीं है, मैंने दिखाया था अंदर से भी। देखो गाइस मतलब मस्त है यहाँ से ना, मैं जूम करता हूँ यहाँ से दिखेगा आपको अच्छे से। आगे गाइस चिमनी का ही मतलब काफ़ी सारी चीज़ फैक्ट्री लगा हुआ है। और गाइस मस्त बात यह है कि गाइस मेरे गाँव से ही पास होने वाला है हाईवे, और ये सबसे मस्त बात यह है कि गाइस मेरे गांव से जो है ना हाईवे पास होने वाला है, जो सुपर वे एक्सप्रेस वे बोलते हैं ना वो पास होने वाला है। तो वो पास होने के बाद गाइस ये गांव लिटरली काफ़ी डेवलप हो जाएगा। अभी तो वैसे देख रहे हो कितना डेवलपमेंट हो रहा है, रोड बन रहा है इसका, सेंट्रल स्कूल है, थोड़ा इंडस्ट्रियल एरिया वहाँ भी है। एंड गाइस क्या बात बताए, वहाँ पर देखो यार काफ़ी मस्त घर है, थोड़ा देर यहाँ पर आराम करते हैं यार बैठ के, यहाँ पर बारिश तो हुआ लेकिन थोड़ा देर आराम करना काफ़ी ज़रूरी है, फिर चलेंगे गाइस घर पर मैगी वैगी खाएंगे। और इस बताना आपको टूर कैसा लगा, आएगा टूर करना चाहिए नहीं रहेगा, इस तो आम का पेड़ सब है तो वो मैं आपको फिर कभी दिखाऊंगा, इतना वीडियो में इतना कवर कर लिया। अब अगली बार मैं आऊँगा तो इस पक्का आपको पक्का, क्योंकि मैं अकेले नहीं रहूँगा उसमें, अनीस रहेगा, सब लोग रहेंगे तो अच्छे से मैं उसमें बता पाऊँगा आपको और दिखा पाऊँगा और आपको एक अच्छा सा एक्सपीरियंस दे पाऊँगा। गाइस बताना जरूर कि आपको चेहरे पर स्माइल आई है नहीं आई, कि गाइस मुझे स्माइल के लिए आपको पड़ी थे एंड स्माइल अगर आपको आ गई है तो यार मेरा मतलब कि मेहनत यार सफल हो गया। एंड गाइस ये देखो, ये देखो स्काई कलर यार मस्त लग रहा है यहाँ से, पूरा मस्त मस्त लग रहा है यहाँ से। और ऐसे जब मैं 2 साल पहले यहाँ पे आया हुआ था तो पेड़ से कुछ भी नहीं था, मतलब ये वाला रोड का काफ़ी मस्त था पूरा, मतलब कि आप यहाँ पे 100 की स्पीड भी गाड़ी लेके जा सकते हो, तो इतना मतलब स्पीड रोड था ये वाला। अभी थोड़ा ख़राब हो चुका है तो फिर बनेगा, मैं जब आऊँगा तो छठ के सामने फिर मतलब बंद कर जाएगा, सामने वाला जमीन वो रहा हम लोग का, वो जमीन फिर उधर आगे वाला हम लोग का ही है, तो मेरे लोग का ही वो आगे वाला जमीन है, थोड़ा रेस्ट करते फिर चलते हैं इस घर। गाइस तो अभी काफ़ी शाम हो चुका है तो यार अब चलते हैं घर। एंड गाइस यहाँ पर तो आपको अच्छा लुक मिल ही रहा होगा इसलिए मैंने फिर से इसको ऑन कर दिया। एंड देखो गाइस अभी सनसेट हो ही गया है बस लगभग, वो आपको बस थोड़ी देर में वो भी डाउन चले जाएंगे सूर्य भगवान भी। एंड तो आपको गाइस आज का टूर कैसा लगा बताना वीडियो में, और कैसा सब रहा
मुझे इस होप है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा गाइस। मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब इस पर एफर्ट डाला, काफ़ी ज़्यादा मेहनत की इस वीडियो में, तो मुझे होप है कि आपको वीडियो पसंद आना चाहिए। तो इस आज के वीडियो को लेना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।